सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाँ तो दोस्तों, चलिए आज हम सीखेंगे कि एमआई ब्रोशर बिजनेसशिप में आप स्टोर प्रोफाइल को कैसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग एमआई ब्रोशर बिजनेसशिप को ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने एमआई ग्रॉसर बिजनेसशिप को ओपन कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, स्टोर प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज हम केवल स्टोर प्रोफाइल को अपडेट करने का जो तरीका है उसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने देखिए कुछ इस तरह से खुल कर आ जाएगा। तो इसमें कैसे अपडेट करना है प्रोफाइल को। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ दिखाई दे रहा है, मोड। ठीक है, तो यहाँ मोड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए मोड में तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, होम डिलीवरी। ठीक है, होम डिलीवरी का मतलब ये हुआ कि आप अगर होम डिलीवरी को सिलेक्ट करते हैं तो आपको केवल होम डिलीवरी ही करना होगा। ठीक है, यानी कस्टमर के घर तक सामान ले जाकर पहुंचाना होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टोर पिकअप ओनली। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो कस्टमर आपके स्टोर तक यानी आपके सेंटर तक आएगा और सामान लेकर जाएगा। ठीक है, तो इसमें कस्टमर आपके सेंटर पर विजिट करेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है होम डिलीवरी और स्टोर पिकअप। तो इसमें क्या है कि अगर आप तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं या कस्टमर आपके सेंटर तक यानी स्टोर तक आकर अपना सामान खुद ले जाएगा। इसमें दोनों ऑप्शन रहेंगे, तो वैसे ये तीसरा जो ऑप्शन है इसी को आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या होता है अगर आप होम डिलीवरी नहीं कर पाते हैं किसी कारण तो कस्टमर स्वयं आपके सेंटर से आकर सामान ले जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको इसी को सिलेक्ट कर लेना है, होम डिलीवरी एंड स्टोर पिकअप। ठीक है, चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद मिनिमम अमाउंट। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप होम डिलीवरी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है होम डिलीवरी के लिए है, इसमें आप एडिट कर सकते हैं। वैसे इसमें 200 रुपये दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप होम डिलीवरी करते हैं तो कस्टमर को कम से कम जो है 200 रुपये का जो है ऑर्डर करना होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें 200 रुपये सेट कर रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर जब भी ऑर्डर करेगा तो 200 रुपये से ऊपर ही ऑर्डर करेगा। अगर 200 रुपये से कम ऑर्डर करता है तो ऑर्डर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऑर्डर जो होगा वो बुक नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको इससे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे ये 200 रुपया मैंने सेट किया है। ठीक है, मैं 200 ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसके बाद डिलीवरी रेंज जो दूरी है, ठीक है, आप कितनी दूरी तक जो है होम डिलीवरी कर सकते हैं अपने हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जो भी होगा यहाँ से, तो चलिए हम इसको अपडेट कर दे रहे हैं। चलिए हम 7 किलोमीटर यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद डिलीवरी डेज, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि आप किस किस दिन को डिलीवरी करेंगे। अगर आप सप्ताह के 7ों दिन आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो इसको इसी तरह से रहने देंगे। अगर किसी दिन आप डिलीवरी नहीं करना चाहते हैं, चाहे संडे हो, मंडे, ट्यूसडे, जो भी दिन हो, तो उसको अनटिक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको इसी तरह से रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए आ गया अर्लियर डिलीवरी डेट। ठीक है, आप अगर कोई कस्टमर ऑर्डर बुक करता है तो आप उसको उसी दिन डिलीवरी देंगे या अगले दिन, ठीक है, 3 दिन के बाद, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। अगर कस्टमर ऑर्डर करता है जिस दिन, उसी दिन अगर आप डिलीवरी देना चाहते हैं, ठीक है, आप उसी दिन होम डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप 2 डे को ही सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे 2 डे को आप लोग रहने देंगे वही बेहतर होगा। ठीक है, चलिए इसको हम 2 डे पर ही रहने देते हैं। ठीक, और इसके बाद अब देखिए अगला ऑप्शन दिया है डिलीवरी स्लॉट। ठीक है, चलिए हम डिलीवरी स्लॉट पर क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए आप लोगों के सामने कुछ समय यहाँ दिया गया है, जैसे 6 बजे से 8 बजे तक, 8 बजे से 10 बजे तक। इसका मतलब ये हुआ कि आप
किस दिन को कब से कब डिलीवरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से, आपको जब भी समय मिले आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे समय, ठीक है। जैसे 6 बजे से 8 बजे तक आप डिलीवरी करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कब आप डिलीवरी करना चाहते हैं दिन में, ठीक है। 2 बजे से 4 बजे तक करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको, जैसे मंडे का हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी 7ों दिन का आपको सेलेक्ट करना होगा आप किस दिन को कब जो है होम डिलीवरी करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आपकी समझ में आ गया, चलिए हम अगला ऑप्शन आप लोगों को अब दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगला ऑप्शन है डिलीवरी चार्ज, ठीक है। चलिए इस पर हम क्लिक किए तो ये 3 ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ गए। यहाँ पहला ऑप्शन दिया है एक्सप्रेस डिलीवरी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या, आप जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, ठीक है। 60 मिनट लिखा है डिलीवरी चार्ज, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक्सप्रेस डिलीवरी का मतलब आप तत्काल सेवा चाहते हैं, आपको तो आपको किसी वस्तु की तत्काल ज़रूरत पड़ गई है, तो आप तो ऐसी अवस्था में अगर आप एक्सप्रेस डिलीवरी कराना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप किसी सामान को बुक कर रहे हैं, ऑर्डर बुक कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपको 1 घंटे के अंदर सामान चाहिए तो उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आपको लगेंगे, ठीक है। यानी एक्सप्रेस डिलीवरी जो होगी उसमें आपको चार्ज देना होगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, आप जैसा भी चाहें, जैसे 60 मिनट में अगर वो आदमी ऑर्डर बुक किया है कि हमारे 60 मिनट के अंदर हमारे घर पर सामान आ जाना चाहिए, तो आप वहाँ चार्ज रख दीजिए कि हाँ हम इतना चार्ज लेंगे, ठीक है। तो 60 मिनट का जो डिलीवरी चार्ज है इसमें आप रख सकते हैं, 10-20 जो भी होगा इस तरह से आप रख देंगे, ठीक है। तो ये हुआ एक्सप्रेस डिलीवरी हो गया, ठीक है। एक्सप्रेस डिलीवरी में आप जो है जितना भी चार्ज रखना चाहते हैं, तो कस्टमर जितने समय के अंदर सामान बुक करेगा कि हमें इतने समय के अंदर सामान चाहिए, तो आपको हर हाल में पहुँचाना होगा, ठीक है। तो ये हुआ एक्सप्रेस डिलीवरी, ठीक है। और यहाँ दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड में जैसे 200 रुपये का हमने वहाँ पर सेट किया है कि अगर कस्टमर 200 रुपये तक का सामान बुक करता है तो हम होम डिलीवरी करेंगे, उसके घर तक सामान पहुँचाएंगे। लेकिन अगर वो 200 से कम का ऑर्डर करना चाहता है, अगर वह 200 से कम ऑर्डर बुक कर रहा है, ठीक है, तो इस अवस्था में आपको, आप फिर भी होम डिलीवरी कर सकते हैं। जैसे कस्टमर 200 से कम का ऑर्डर बुक किया है और वो होम डिलीवरी करवाना चाहता है, तो उसमें आप या तो फ्री करेंगे या तो आपको चार्ज उसमें सेट करना होता है। वैसे जब आप 200 रुपये सेट कर दिए हैं तो आप उस पर जब चार्ज रखेंगे, स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे, तभी होम डिलीवरी आप कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे 200 रुपये आप वहाँ रखे हैं कि 200 रुपये से कम हम होम डिलीवरी नहीं करेंगे, तो लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड पर क्लिक करेंगे तो आप 200 रुपये से कम भी अगर कोई ऑर्डर बुक कर रहा है तो आप जो है होम डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में आप कुछ चार्ज रख सकते हैं, ठीक। तो चार्ज वाले कॉलम में आप जो भी रखना चाहें, 10-20 जो भी रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। अगर आप 200 से कम ऑर्डर बुक किया गया है तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि हम 200 से कम का होम डिलीवरी नहीं करेंगे तो आप स्टैंडर्ड पर नहीं क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है फिक्स्ड, ठीक है। आप फिक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, आपको चाहे 1 घंटे में सामान पहुंचाना हो, 2 घंटे में, 3 घंटे में, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप फिक्स कर दे रहे हैं कि हमको इतना चार्ज चाहिए, जैसे 200 रुपये हमने फिक्स कर दिया है कि 200 से कम का अगर ऑर्डर बुक होगा तो हम होम डिलीवरी नहीं करेंगे, ठीक है। और 200 से ऊपर आप कितनों का सामान आप जो है ऑर्डर बुक कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना फिक्स चार्ज भी रख सकते हैं या फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप 20, 30, 50 जो भी आप सेट करना चाहते हैं यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिक्स चार्ज रख रहे हैं तो, अन्यथा इसको रहने देंगे, ठीक है। चलिए अच्छा अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। अब अगला ऑप्शन है डिलीवरी नोट, ठीक है। तो दोस्तों इसको आप इनेबल कर देंगे, ठीक है। इसके लिए तो दोस्तों इस तरह से आप अपने स्टोर प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।